ग्वालियर में 16 दिन पहले लापता हुए 8 साल के छात्र की हत्या हो गई। शुक्रवार को उसका कंकालनुमा शव मिला है। आरोपी उसका दूर के रिश्ते में चचेरा भाई लगता है। घटना है बिचौली थाना क्षेत्र के पारसेन गांव के। आरोपी घटना के बाद परिवार के साथ बच्चों को तलाशने का नाटक करता रहा और उसी दौरान पुलिस को गुमराह करने के लिए फिरौती की मांग की। आरोपी बच्चे को घर के बाहर खेलते वक्त अपने साथ घुमाने का बोलकर अरोली के जंगल में ले गया था और वहां उसके साथ कुकर्म की कोशिश की। जब सफल नहीं हुआ और लगा कि वह घर पर बता देगा तो उसने उसे मार डाला। जंगल में गड्ढे में भरे पानी में उसने बच्चे का सिर डाला और उसके ऊपर बैठ गया। वहीं आरोपी चाचा के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। बेसिकली कि ये जब मैसेज आने लगे तो उसमें इस तरह की बात आई कि ये मैसेज लगातार कौन कर रहा है, तो जो शंका हो रही थी तो उसमें जो फरियादी के जो ताऊ के पास से मैसेज आ रहे थे उससे जब बातचीत की गई तो बातचीत में ये पता लगा कि एक मैसेज जो जहाँ से आ रहा है वो दूसरे नंबर पे इस व्यक्ति से कॉन्टेक्ट में है। और फाइनली पता लगा कि वो उसको टेक्निकली मैनेज कर रहा था और खुद ही कर रहा था। और जब उसको पकड़ा गया है और उससे पूछा गया है तो फिर उसने सारा एक्सेप्ट किया है कि मैं उसको लग रहा था कि ये ऐसा लगातार घर पर पूछताछ कर रहे हैं तो कहीं पकड़ा ना जाऊँ, तो इसने इसको अपहरण की बात पैसे के ऊपर अपहरण की तरफ ले गया था। उससे वो मोबाइल भी बरामद हुआ है, इससे जो कॉपी में इसने जो पर्चा लगाया था वो भी खुद अपने हाथ से लिखा है और उसका पर्चे के दूसरी पेजेस जो हैं उसकी कॉपी में मिले।